हेलो ऑल ऑफ यू वेलकम टू द बी प्रो स्मार्ट तो आज हम लोग देखिए डिस्कस करने वाले हैं कि यूराइस पोर्टल पे हम लोग कैसे रजिस्टर करें मतलब नॉर्मली रजिस्टर नहीं तब आ, कैसे रजिस्टर करें वन इट इज़ शोइंग दिन एरर लाइक इट इज़ शोइंग लाइक टू टाइप्स ऑफ एरर्स इट इज शोइंग दैट यूनिक ई मेल आई डी और समथिंग वेंट रॉन्ग ऐसे करके क्या हो रहा है कि हम लोग कोई शो हो रहा है जब हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं तो कुछ लोग का ऐसा बहुत सारे लोग का ऐसा हो रहा है तो तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि इस एरर को कैसे टैकल किया जाए और विद इन टू मिनट्स हम लोग अपना रजिस्टर कर सकें ठीक है तो देखो क्या है कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि गूगल क्रोम में जाना है जाके फिर यहाँ यूराइज लिखना है फिर हम लोग का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा यूराइज़ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है सबसे सबसे टॉप टौ, पे वही देखिए यूराइज की उसके ऊपर आपको स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है ठीक है फिर स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ऐसा करके कुछ इंटरफेस आएगा अच्छा तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि जिनका अभी रजिस्टर नहीं भी हुआ है ना उनका भी हम डायरेक्टली लॉगिन करेंगे और देखना हो भी जाएगा बिकॉज क्या है कि ये जो से हम लोग का जो एनरोलमेंट नंबर के हिसाब से सबका मतलब ऑलरेडी इस साइट पे सब कुछ मेंशन है सब कुछ रजिस्टर्ड है तो अच्छा तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या कि हाँ जैसे कि अगर आपका एरर दिखा रहा है ठीक है आपका इजीली अगर रजिस्टर हो जा रहा है तो वेल एंड गुड अगर हाँ जिनका एरर दिखा रहा है तो उनको क्या करना है कि डायरेक्टली हम लोग ऐसे लॉग इन करेंगे ठीक है आ, तो अच्छा बट इसके लिए ये है ना कि आपके जैसे आपका इनमेंट नंबर नाइनटीन है ठीक है तो आपको अपने आगे वाले या पीछे मतलब आपके आगे रोल नंबर इनरोलमेंट नंबर या पीछे वाले का आपको वो पता होना चाहिए यूज़र आई डी यूराइज पोर्टल की यूज़र आई डी उनकी आपको पता होना चाहिए क्योंकि जिनका रजिस्टर हो गया है तो ऑब्वियसली उनका पता होगा तो कुछ ही लोग का नहीं हो रहा है ना तो जिनके आगे पीछे का आपको पता है जैसे कि आपका नाइनटीन है ट्वेंटी है तो किसी आपके नाइनटीन है एटीन किसी का भी है उनका आपको पता है ठीक है यूज़र आई तो क्या करेंगे कि हम उन लोगों की यूज़र आई जैसे कि जिनके नाइनटीन है उनका यूज़र आई में मतलब एट थ्री फोर सिक्स है तो आप आपका ट्वेंटी है फिर आप आपके लास्ट में जो एट थ्री फोर सिक्स था उसे जगह पर सेवन लिखोगे और देखो और पासवर्ड क्या होता है कि सबका पासवर्ड सेम है वन टू थ्री वन टू थ्री एंड वन टू थ्री तो आपको फिर उसके ऊपर जाना है फिर हम लोग का ये जो है इस पर यूज़र आई डी डालनी है ठीक है जैसे कि आपके पहले वाले के यूज़र आई डी उसमें वन प्लस करके आप यूज़र आई डी डाल दीजिए ठीक है या फिर आपके दो पहले के तो उसमें टू ऐड करके ऐसे यूज़र आई डी फिर पासवर्ड वन टू थ्री वन टू थ्री डाल दीजिए फिर उसके बाद ये कोड डाल दीजिए उसके बाद फिर आप लॉग इन कर दीजिए फिर देखिए सिंपली आपका ही खुल के आएगा आपका भले ही रजिस्टर हो या ना हो क्योंकि ये क्या है इस साइट पर सबकी जितने भी मतलब डिप्लोमा वाले हैं जो भी हैं उन सबका क्या है यहाँ पे रजिस्टर्ड है ऑलरेडी उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आके ना आप अपना ना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं ठीक और हमने जो आ, स्टार्टिंग में यूज़र आई डी का यूज़ किया था उसको भी लिख लीजिए और ये आपका पासवर्ड फिर अपना लॉग इन आप किसी किसी भी फ़ोन से आप कर सकते हैं ठीक है तो हमने क्या कर लिया हमें रजिस्टर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी हमने डायरेक्टली क्या किया लॉग इन कर लिया तो कोई एरर का कोई इशू नहीं रहा हाँ बस ये है कि हमको अपने जो हमारे जो इनरोलमेंट नंबर है उससे आगे या पीछे वाले का यूज़र आईडी इसकी पता होनी चाहिए या फिर पूछ लो पता कर लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एंड पासवर्ड क्या है? सेम ही होता है सबका आपका भी मतलब जब तक एडिट नहीं करोगे तब तक सेम ही रहेगा सेम ही रहेगा ठीक है तो ठीक है थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग